नीट वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ा दिन है, नीट का एग्जाम है आज। अपने जैसे कई बार होता ना, बच्चे पेरेंट्स से ही घबरा जाते हैं कि पता नहीं माता पिता को क्या जवाब देंगे। के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन ये होता है कि आप लोग एग्जाम के दिन उनको छोड़ने आ जाए। बच्चों को तो सिर्फ अपना बेस्ट देना है, ईमानदारी से पढ़ना है और अपना बेस्ट देना है, बस और कुछ नहीं। बाकी तो ऊपर वाला रिजल्ट देता है। जी, कोई बात नहीं, इस बार नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम होगा। लगातार प्रयास करते रहिए, बस अपना 100% दीजिएगा, अपनी तब से कोई कमी ना रहे। हमने कहा कि सिलेक्शन तो पक्का रहेगा, बस जाके लिख करके आ जाओ। सर नमस्कार, कैसे हो आप? बस ठीक ठाक। बेटे को छोड़ने आए हो आप? नहीं, बेटी को छोड़ने आए। बेटी को छोड़ने आए हो, तो आप यहीं रहते थे बेटी के साथ? नहीं, मैं नहीं रहता। अच्छा, आप उसको मतलब एग्जाम दिलवाने लाए हो? अच्छा अच्छा, तो अभी आपने एग्जाम सेंटर पे छोड़ा गुड़िया को, तो क्या बोला आपने उसको? हमने कहा कि सिलेक्शन तो पक्का रहेगा, बस जाके लिख करके आ जाओ। अच्छा अच्छा, जी, मोटिवेट किया मतलब? सब आता है, तुमको कुछ घबराने की जरूरत नहीं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अच्छा अच्छा, तो आप चाहते तो नहीं भी आते सर, तो आप उसको एग्जाम सेंटर एग्जाम के दिन आए हैं आप उनको छोड़ने? सिर्फ मोटिवेशन के लिए आए। मोटिवेशन के लिए आए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सर, बहुत सारे पेरेंट्स आए हैं जो बच्चों को छोड़ने आए, ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले। और पेरेंट्स को क्या बोलना चाहोगे, मतलब जैसे और भी लाखों बच्चे आज एग्जाम दे रहे हैं नीट का, है ना, परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा वो सेकेंडरी चीज है। नहीं, बच्चों को तो सिर्फ अपना बेस्ट देना है, ईमानदारी से पढ़ना है और अपना बेस्ट देना है, बस और कुछ नहीं। बाकी तो ऊपर वाला रिजल्ट देता है। जी जी जी, अपनी ईमानदारी होनी चाहिए, मेहनत लगन होनी चाहिए। जी, जो ये लोग बताते हैं शूट वाले, उसको फॉलो करें तो रिजल्ट निकल जाता है। जी जी, आप कोटा है, कोटा देखा, कोटा कैसा लगा आपको सर? सर तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। एजुकेशन के हिसाब से? एजुकेशन का तो हब ही है, बिल्कुल हर तरफ एजुकेशन ही नजर आता है यहाँ पर। जी जी जी, बच्चे नहीं यहाँ पर तो। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। कहाँ से आए हो आप? सहारनपुर यूपी से आया हूँ। जी सर, बिटिया यहीं पढ़ रही थी सर? हाँ, पिछले एक साल से वो यहीं पे एलएन में कोचिंग कर रही है। अच्छा, तो आप उनको छोड़ने आए हो सर? जी हाँ, मैं छोड़। तो आप पहले से यहीं रहते हो या आप सर स्पेशली बिटिया को छोड़ने आए हो ताकि उसे मोटिवेशन मिले? बिटिया को स्पेशली छोड़ने आया हूँ, वो यहाँ पे अकेली रह रही है पीजी में। जी, और मैं केवल एग्जाम दिलाने के लिए आया हूँ उसके साथ, जिससे कि उसका जो है वो मॉरल थोड़ा अप रहे। जी, और आपने कुछ बोला सर गुड़िया को, जैसे आए थे तो बढ़िया से देना एग्जाम वगैरह, ऐसा कुछ? मैंने उसको कहा है कि आप अपना जो भी है अपना 100% देना है, बाकी किस चीज से आपको निराश नहीं होना है, धैर्य बनाए रखना है। जी, और ये सब चीजें तो एग्जाम तो जीवन में होते रहते हैं, एग्जाम तो चलते ही रहते हैं। जी, कोई बात नहीं, अगर इस बार भी सफल नहीं हो तो नेक्स्ट हम फिर एक साल की फिर प्रयास करेंगे। जी जी, नहीं सर, बड़ी अच्छी बात बोली आपने। जैसे कई बार होता ना, बच्चे पेरेंट्स से ही घबरा जाते हैं कि पता नहीं माता पिता को क्या जवाब देंगे। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा कोई बच्ची के ऊपर किसी तरह का ऐसा कोई प्रेशर नहीं डाला गया है। हाँ, उसको बिल्कुल ये कहा गया कि फ्रीली एग्जाम दीजिए, कोई बात नहीं, इस बार नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम होगा। लगातार प्रयास करते रहिए, बस अपना 100% दीजिएगा, अपनी तब से कोई कमी ना रहे। जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। हरियाणा से आए, बच्चे का आज पेपर है? जी 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 जी। तो पहले एलन में नीट की कोचिंग ली थी। ठीक है, तो बच्चे को अच्छा लगा आप छोड़ना है तो सर? हाँ जी हाँ जी, खुशी हुई इसको? हाँ जी हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरे हिसाब से बच्चों को के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन ये होता है कि आप लोग एग्जाम के दिन उनको छोड़ने आ जाए। हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया शहर है जी कोटा। जी, राजस्थान का पढ़ाई भी बहुत ज्यादा हाई फाई है, यहाँ पर बहुत बढ़िया पढ़ाई। अच्छा लगा आपको? जी हाँ जी। और लोगों को क्या बोलना चाहोगे कोटा के बारे में? कहते हैं जी कोटा में बहुत ज्यादा पढ़ाई है। हाँ, बहुत बढ़िया शहर है राजस्थान का, तो सच है वो बात? हाँ जी हाँ जी, बढ़िया पढ़ाई है यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी। आपका बच्चे से बात होती है, बच्चा क्या बोलता है आपको पढ़ाई के बारे में? बच्चा कहता है बहुत बढ़िया पढ़ाई है जी, पढ़ने पड़े बच्चे के लिए जहाँ का। अच्छा, तो मेहनत करता है बच्चा, कामयाब भी होता है। जी 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 जी। तो हेलो बच्चों, आज नीट वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ा दिन है, नीट का एग्जाम है आज। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये एक सेंटर है कोटा का, 36 सेंटर है कोटा में, और बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ने आए हैं, और लास्ट टाइम वो बेस्ट विशेष दे रहे हैं बच्चों को। और आप देख रहे होंगे मेरे पीछे पेरेंट्स जो है ना, यहाँ पे पेड़ की छायाओं में बैठे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स आए हैं, और इधर भी पेड़ों की छाया में वगैरह बैठे पेरेंट्स वेट कर रहे हैं, और पानी और ग्लूकोज वगैरह लेकर आए हैं पेरेंट्स बच्चों के लिए, ताकि वो लास्ट मोमेंट में उनको थोड़ा राहत मिले, है ना। और बाकी हम बच्चों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे अभी जाते वक्त तो, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है बच्चों का माहौल देखकर, पेरेंट्स ने सपोर्टिव है, और भी लोग हैं जो पेरेंट्स बच्चों को छोड़ने आए हैं यहाँ पे, है ना। तो हमारी तरफ से भी बच्चों को बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक।